राधे कृष्णा दोस्तों, ध्यान देने योग्य बहुत ही जरूरी बातें। अपना कीमती समय निकालकर जरूर देखें। नंबर एक, तुलसी की पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीने से सर्दी और कफ से आराम मिलता है। दो, अगर कमर दर्द की समस्या से परेशान है तो रोजाना दोपहर को थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर पानी से ले लें, यह दर्द में आपको काफी आराम मिलेगा। नंबर तीन, रोटी खाने के बाद एक टुकड़ा प्याज का लेने से रोटी जल्दी हजम हो जाती है। चार, पेशाब में ज्यादा पीलापन आ जाए तो नींबू वाला पानी पीना शुरू कर दे, इससे आपको आराम मिलेगा। पांच, काजू का सेवन करने से दिमाग और नजर दोनों ही तेज होती है। छह, अंगूर नमक के साथ खाने से फेफड़ों का कैंसर नहीं होता है। सात, खीरे का सेवन करने से दिल की धड़कन नॉर्मल रहती है। नंबर आठ, गुलाब का फूल सूंघने से डिप्रेशन कम होता है। नौ, खाना खाने के बाद बदहजमी या खट्टी डकार आने लगे तो खाने के साथ प्याज पर नींबू निचोड़कर खाना चाहिए, इससे बदहजमी नहीं होती है और खाना जल्दी हजम हो जाता है। दस, आम का ज्यादा जूस पीने से यूरिक एसिड की बीमारी हो सकती है। ग्यारह, संतरा सुबह खाली पेट और रात के वक्त नहीं खाना चाहिए, नुकसान करता है। बारह, जो औरतें अक्सर थकावट महसूस करती है उन्हें गुड़ खाना चाहिए, गुड़ से आपको एनर्जी मिलेगी। नंबर तेरह, यदि आपको चक्कर आने की समस्या है तो सेंधा नमक वाला पानी पीना चाहिए, इससे आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। चौदह, ज्यादा थूकने से इंसान का दिमाग कमजोर होता है, तो किसी किसी इंसान को आदत होती है कि वे थूकता सा रहता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। पंद्रह, यदि आप डिप्रेशन की समस्या से परेशान हैं तो अमरूद का सेवन करें, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। सोलह, यदि आपका दिल घबराता है तो सीने में जलन की भी समस्या है तो एक गिलास नींबू की सिकंजी बनाकर धीरे धीरे करके ही आपको पिए, आपको लाभ मिलेगा। सत्रह, आंखों में चमक लाने के लिए किशमिश का सेवन करना चाहिए। नंबर अठारह, चेहरे पर रोजाना मलाई लगाने से चेहरे पर ग्लो आता है। मलाई त्वचा का रूखापन दूर करके स्किन को चमकदार बनाती है और चेहरा चमकने लगता है। 19, प्याज हर तरीके से स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद है। आप चाहे इसे कच्चा खाएं या सब्जी में डालकर खाएं, आपको प्याज जरूर खाते रहना चाहिए। प्याज हमें गर्मी में लू लगने से भी बचाता है। 20, गर्मियों में प्याज का सेवन करें, यह हमें लू लगने से बचाता है। 21, कच्चे दूध में चीनी मिलाकर चेहरे पर मसाज करने से चेहरे पर चमक आती है और यह एक नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करता है। 22, पैरों पर नींबू और चीनी मिलाकर रगड़ने से पैरों का कालापन धीरे धीरे करके दूर होता जाता है। 23, यदि आपको काम करने के दौरान नींद आने लगे तो सुस्ती आने लगे तो अदरक वाला पानी पीना चाहिए, इससे आपकी सुस्ती दूर हो जाएगी और काम में मन भी लगेगा। 24, टांगों के दर्द या लिकोरिया को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए रोजाना कुछ दिनों तक लगातार सुबह के वक्त 7 बादाम खाए। 26, दूध में शहद मिलाकर पीने से आंखों की रोशनी बढ़ने लगती है। 27, दोपहर और रात के खाने के बाद एक कली लहसुन की खाएं, इसे खाने से आपकी गैस की दिक्कत नहीं होगी और आपका वजन भी कम होता जाएगा। 28, जेवर और गहनों के डिब्बे में एक चौक का टुकड़ा रख दे, इससे आपके गहने काले नहीं पड़ेंगे और जैसे उनकी चमक है वैसी ही बनी रहेगी। 29, आंसू रोकने से सिर दर्द, गुस्सा और ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो सकती है। 30, हरी चाय मसूड़ों को बहुत मजबूत बनाती है। नंबर 31 पर है, जिन लोगों को कमजोरी ज्यादा महसूस होती हो तो एक गिलास गर्म दूध में इलायची के दाने उबाल कर पिए, इससे कमजोरी बहुत ही जल्दी दूर हो जाती है। 32, अगर सीने में दर्द की दिक्कत हो तो अजवाइन की धुनी ले, इससे दर्द से काफी राहत मिलती है। 33, अगर जल्दी बुढ़ापा नजर आने लगे तो रोजाना अनार का जूस पीने से चेहरे पर चमक आ जाती है। 34, ठंडा पानी पीने से इंसान जल्दी बीमारियों का शिकार हो जाता है। 35, तांबे के बर्तन में कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए, इससे घर में बरकत नहीं होती है। 36, आजकल के लोग तनाव में बहुत रहते हैं, तनाव लोगों को अंदर ही अंदर खत्म कर देती है, इसलिए जरूरी है आप अपनी जिंदगी से तनाव को मिटा दें और अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करें। 37,
सफाई पर जरूर ध्यान दे, ज्यादातर बीमारियां गंदगी के कारण होती हैं। गंदगी में बैक्टीरिया पैदा होते हैं और आपको बीमार कर देते हैं। 38, आसपास के परिवेश की ही नहीं बल्कि शरीर की गंदगी पर भी ध्यान देना चाहिए। खाना खाने से पहले हाथ जरूर साबुन से धोने चाहिए। 39, ज्यादा थकान महसूस होने पर आराम कर ले, बाहर न जाए। अगर थकान में भी आप बाहर जाएंगे तो बीमार पड़ने का खतरा बन जाता है। 40, रोजाना आधा घंटा आपको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, इससे आपका शरीर फिट रहेगा और आप चुस्त रहेंगे। 41, अपनी डाइट का ध्यान रखें, खाने में प्रोटीन और विटामिन जरूर लें, फास्ट फूड पर ज्यादा ध्यान ना दें। 42, डॉक्टर से बिना पूछे कोई दवाई ना लें, छोटी छोटी बीमारियों पर पेन किलर लेना बंद कर दें, पेन किलर हानिकारक होता है। 43, अपने पेट की रक्षा करें, बेहतर पाचन के लिए अनाज, ब्राउन चावल, सब्जियां और दही खाएं। 44, अनार का सेवन हर व्यक्ति को करना चाहिए, डॉक्टर भी अनार खाने की सलाह देते हैं, यह फल सब बीमारियों में रामबाण साबित होता है, तो अनार का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। 45, शाम के समय तांबे के पात्र में पानी भरकर रख ले और सुबह सूर्योदय से पूर्व उसे बिना ब्रश किए बासी मुंह पिए 15 मिनट सैर करें, इससे पेट के रोग दूर होगी, इस बाल वक्त से पहले सफेद नहीं होंगे। यह जल अत्यंत गुणकारी माना जाता है, तो आप इसका सेवन जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों और फैमिली के साथ बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वो भी इस यूजफुल जानकारी का लाभ उठा सके। और ऐसे ही हेल्थ टिप्स और किचन टिप्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उस यूजफुल जानकारी का लाभ उठा सके। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।